पंडित नगला मिनी बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, एक की मौके पर ही मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने मौके से ट्रक और कंडक्टर को किया गिरफ्तार, चालक हुआ फरार। आपको बता दें, मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के खटगढ़ थाना क्षेत्र के पंडित नगला मिनी बाईपास का है, जहां रविवार की रात को तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को रौंद डाला, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया और मृतक का पंचनामा भरकर उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया है कि राजेंद्र पुत्र सोमपाल बीजना थाना भगतपुर का रहने वाला है। वे अपने दोस्त मित्रपाल पुत्र रामदीन निवासी एकता कॉलोनी थाना मंझोला के साथ बाइक से घर की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक पंडित नगला मिनी बाईपास के पास पहुंची, तो सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को रौंद डाला, जिसमें राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मित्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वे घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक लेकर भाग रहे ट्रक चालक को दौड़कर स्थानीय निवासी मोहम्मद रिजवान और उनके साथियों ने कुछ दूर जाकर पेट्रोल पंप के पास ट्रक को रोक लिया, जहां मौका देखकर ट्रक चालक तो भागने में कामयाब रहा, लेकिन कंडक्टर को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। हाँ, क्या हुआ था यहाँ पे? हुआ क्या था, ये बाइक वाला जा रहा था, यहाँ से मोड़ से मुड़ा हुआ, वो बेचारे साइड से ही चल रहे थे, तो ट्रक उस वक्त संभला नहीं, उनने कट मारा। क्या हुआ, फिलहाल वो जिसके जुट्टे के नीचे आ गए, हमने उनका भाग के पीछा करा, पेट्रोल पंप में उनकी गाड़ी पकड़ी। गाड़ी पकड़ने के बाद कंडक्टर गया पकड़, और ड्राइवर गया दीवार के भाग। अच्छा, तो कितने लोग थे बाइक पे? बाइक पे दो थे। तो क्या हुआ है? मौके पर आ गई, बाकी सब पुलिस को पता है, गाड़ी वाड़ी सब हैंड ओवर करा दी गई। अच्छा, कैसी हालत है उनकी अभी? ये तो अस्पताल से ही पता लगेगा क्या हालत है, फिलहाल वो ले गए हैं यहाँ से। तो किसी की मौत बहुत भी हुई है क्या? बिल्कुल, ऑन द स्पॉट मौत हुई है एक बंदे की, तो दूसरे का पता नहीं। अच्छा, एक ही मौके पर ही मौत हो गई है? बिल्कुल, मौके पर ही। दूसरे को अस्पताल ले गए? दूसरे को अस्पताल। कुछ पता चल पाया है कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ नहीं पता लगा है, ये तो सिर्फ पुलिस प्रशासन ही बताएगी, तब तक पता लगेगा क्या।